हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव। आई एम लोकन सिंह पवार एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स एंड दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा एक छोटू सा चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ओके, ये चैप्टर काफी ऑसम और शानदार जबरदस्त चैप्टर है। इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पर हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आ जाइए बेटा, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ NTSC NSC JSPRM के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स के भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप, मैं से आपसे पूरी पूरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना, आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे भी आप काफी अच्छे से वाकिफ हैं। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, इस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए DPPs और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स हैं वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप बनाया हुआ है। और अगर हम इनके ग्रुप कोड की बात करते हैं तो क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है T.MSLSTTP06, क्लास 7 T.MSLSTTP07, क्लास 8 T.MSLSTTP08, क्लास 9 T.MSLSTTP009 एंड क्लास 10 T.MSLSTTP010। मतलब कि आपकी क्लास 9th है तो क्लास 9th का आपको ग्रुप कोड एंटर करना है T.MSLSTTP009। फटाफट से अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करके डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है बेटा, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास 9th में है तो क्लास 9th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको टू टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग है 10,000 रुपीज और इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहां मिलने वाली है। क्या करना है आपको, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशियंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन में लेकर आया हूं आप सभी के लिए बहुत ही शानदार और जबरदस्त, ओनली ऑन 3,500 रुपीज में। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बाय वीकली क्विजेस। तो सेम प्रोसेस आपको इसको परचेस करने के लिए बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, बहुत ही अच्छे आपके लिए गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूं यहां पर आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LSLIVE। मतलब कि आपको इस LSLIVE कूपन कोड के बिहाफ पर यहां पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। लेकिन 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 अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LSLIVE कूपन कोड यूज करते हो तो आप देखोगे कि ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LSLIVE कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से आपको क्या करना है बेटा, बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111, फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वायरी करना है वो कम्प्लीटली क्वायरी आप कर सकते हो। तो फटाफट से इस कूपन कोड को भी नोट कर लीजिए और इस नंबर को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि इस कूपन कोड के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा और इस नंबर के बिहाफ पर आपको यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड क्वायरी में हेल्प मिलने वाली। ओके, फटाफट से नोट कीजिए जल्दी से।
क्लियर है, हो गया नोट, चले आगे। चलिए आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी इजी, आपको क्या बनना है बेटा यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी तो करनी ही होगी। तो फटाफट से बिना देर किए हुए आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करने के लिए पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाना है। ओके, चलिए जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो लेक्चर आपके सामने है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो ये चैप्टर हमारा बहुत ही इजी चैप्टर, मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये एकदम छोटू सा चैप्टर है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक, हम कहते हैं ना कि हमारे जो एजम्पशंस होते हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, इस चैप्टर में आप सबसे पहले यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करोगे, जैसे कि आपने कॉइन के बारे में आप जानते हो, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आप जानते हो, डाइस के बारे में आप जानते हो। ये सारी चीज़ें जो आपके प्ले गेम खेलने की जो चीज़ें ना, हम उन्हीं का यूज़ करने वाले हैं। मतलब कि हम यहाँ पर गेम भी खेलेंगे, साथ ही साथ इस चैप्टर को भी काफ़ी ईजिली और अच्छे तरीके से समझ लेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या क्या होने वाला है यहाँ पर। ओके, तो इसके लिए आपको पहले रेडी होना है, पूरा प्रिपेयर होना है, क्योंकि इससे ईजी चैप्टर आपकी बुक में कोई है नहीं, मैं तो ये मानता हूँ। ओके, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, मस्ती से पढ़िए, काफ़ी मजा आने वाला है। आ जाइए फटाफट से देखिए व्हाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट डेफिनेशन रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हम आज मेनली यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्सेप्ट से उनको डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कुछ नेक्स्ट लेक्चर में भी सॉल्व करेंगे। ओके, कीवर्ड्स आपके सारे रहने वाले हैं, जैसे कि एक्सपेरिमेंट, डिटर्मिनिस्टिक, रैंडम, सैम्पल स्पेस, इवेंट, प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, गुड चांस, पुअर चांस, ये सारी चीज़ें, आउटकम्स, ये सब कुछ यहाँ पर कीवर्ड्स रहने वाले हैं। और लर्निंग आउटकम्स की अगर हम बात करते हैं तो वी वुड बी एबल टू डिफाइन इवेंट, सैम्पल स्पेस, आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी, इन सबको हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, डिफाइन करने वाले हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम बेटा इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ओके, जैसा कि आपको पता है किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उसके इंट्रोडक्शन की फेस के बारे में क्यों डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें उसका इंट्रोडक्शन, उसका नेम समझ में आ गया, तो वो पूरा चैप्टर हमें बहुत ही इजीली अच्छे से समझ में आता है। ओके, तो आ जाइए, इन अवर डे टू डे लाइफ वी जनरली यूज द प्रोबेबली, प्रोबेबल और चांसेस और लाइकली एक्सेट्रा इन मेनी स्टेटमेंट्स। हम हमारी डेली लाइफ में दिन ब दिन हम काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रोबेबली, प्रोबेबल, चांसेस, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हमारे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि मान लीजिए इट विल बी प्रोबेबली रेन टुडे, हो सकता है कि आज बारिश हो जाए, ठीक है। ये क्या है, हमारा एजम्पशन है, मानना है, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज प्रोबेबली राइट, वह सही है, ये हो सकता है कि वह सही है, हो सकता है बिल्कुल। इंडियन क्रिकेट टीम हैज गुड चांसेस ऑफ विनिंग द वर्ल्ड कप 2023, मतलब कि इंडियन टीम 2023 का वर्ल्ड कप जीत सकती है। ये सब क्या है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि चांसेस हैं। ओके, तो मेनली प्रोबेबिलिटी का जो रियल मीन होता है ना, वो यही होता है कि चांसेस क्या होते हैं, चांसेस, ठीक है। हमारे जो एजम्पशंस होते हैं कि हाँ हम मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, अब नहीं हो तो वो बात अलग है, लेकिन हो सकता है, क्लियर। इसीलिए हमने बार बार क्या कहा है कि यहाँ पर हमें इस चैप्टर में मेनली बात करनी है चांसेस की। ओके, डेली लाइफ में हम काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ना, जैसे कि आपने अभी एक एग्जांपल देखा कि हो सकता है कि आज बारिश है, मौसम खराब होगा तो हमारा एजम्पशन हो सकता है ना कि हाँ यार हो सकता है कि आज बारिश हो जाए। अब हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा एजम्पशन किसको देख कर है, उस क्लाइमेट को देख कर है, कि क्योंकि क्लाइमेट अगर इस टाइप का है तो बारिश वाला क्लाइमेट होगा तो आपको पता चलेगा कि सही है, हाँ हो सकता है यार बारिश हो जाए। या फिर इंडियन क्रिकेट टीम अगर वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो आप उम्मीद कर लेते हो, कहीं ना कहीं एजम्पशन मान ही लेते हो, लेट कर लेते हो कि हाँ यार हो सकता है कि इंडिया फाइनल जीत जाए। ओके, तो ये सारे किस पर बेसिस है, हमारे एजम्पशंस पर बेसिस है। ओके, क्लियर। इसके लिए मेनली हमें यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करना है, क्लियर है। प्रोबेबिलिटी में हम क्या डिस्कस करेंगे, एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कौन से एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। ओके, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दूसरे रहने वाले, जैसे कि द वर्ड एक्सपेरिमेंट मींस एन ऑपरेशन। एक्सपेरिमेंट जो वर्ड है इसका मीन क्या होता है, ऑपरेशन होता है, रियल मीन देखा जाए तो, विच कैन प्रोड्यूस विल डिफाइंड आउटकम्स, ठीक है। और इसकी हेल्प से हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पर आउटकम्स मिलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, मेनली यहाँ पर कितने टाइप्स के एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास, टू टाइप्स के, एक तो होगा डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और एक होगा आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो कि आपको नजर आ रहा है। रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पर प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट भी कहेंगे, ठीक है, ये दोनों एक ही नेम है। अब डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम, रैंडम से तो हमें नेम समझ में आ रहा है कि हाँ यार सडनली
सडनली एकदम अचानक से, है ना। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें काफी इजीली अच्छे से समझ में आने वाली है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो आप इसको नोट कर लो, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट एक बार अगर आपको समझ में आ गया ना, गारंटी आप नहीं भूलने वाले हो, बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़िए मस्ती से। ओके क्लियर है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, एक्सपेरिमेंट का जो रियल मीन होता है वो क्या होता है, एक तरह से ऑपरेशन होता है, ठीक है। और ऑपरेशन मतलब कि अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें वहाँ पर कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलता है, और वही क्या होता है, हमारा आउटकम्स होता है। क्लियर है। और एक्सपेरिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं आपके, टू टाइप्स के, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट या फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट, दोनों एक ही चीज़ है। ओके फटाक से नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चलो अब देखो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है। दोज एक्सपेरिमेंट्स विच वेन रिपीटेड अंडर इनिशियल कंडीशंस प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट्स और आउटकम्स नॉन इज डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स। जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं, ठीक है, जो किसी इनिशियल कंडीशन में अगर हम कराते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स है वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, मतलब कि हमें उनके रिजल्ट्स सेम मिलते हैं, क्लियर है। तो वो क्या होंगे आपके, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होंगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जाम जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उन्हें अगर आप करते हो, जब आप केमिस्ट्री लैब में जाते हो और वहां पर अगर आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो, आपको कोई सॉल्ट दिया जाता है, ठीक है, और आप उससे एक्सपेरिमेंट करते हो, तो आपको ऑलरेडी पता है ना कि इस सॉल्ट के साथ में अगर मैं कोई भी हमारा H2SO4 इंक्लूड करूंगा या उसमें HCl इंक्लूड करता हूं तो मुझे यही रिजल्ट मिलेगा। मतलब क्या क्या है वो आपको ऑलरेडी, मतलब कि इनिशियल कंडीशन में आपको वहां पर क्या किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। आप वहां पर क्या कर रहे हो, इनिशियल कंडीशन किसी एक फिक्स कंडीशन के साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि ये हमारे पास एक सॉल्ट है और ये H2SO4 है। जब हम इन दोनों को मैच करते हैं, मिलाते हैं, तो फाइनली हमें एक न्यू कुछ मिलता है और हमें पता है कि जो भी मिलेगा वो यही रहने वाला है। तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में काउंट होगा, क्लियर है। इसीलिए हमने क्या कहा है, ऐसे एक्सपेरिमेंट जो इनिशियल कंडीशंस में कराए जाते हैं और वो जो उनके रिजल्ट है वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, वही क्या होंगे आपके पास, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। इसीलिए इनके एग्जांपल्स गिवन है आपको, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड अंडर इनिशियल कंडीशंस, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो भी आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं हम उन्हें इनिशियल कंडीशंस में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके क्लियर है। चलो नेक्स्ट आता है आपके पास प्रोबेबिलिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब देखो रैंडम का मतलब मैंने क्या बताया आपको, सडनली अचानक से, कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन ए एक्सपेरिमेंट व्हेन रिपीटेड अंडर इनिशियल कंडीशंस डोंट प्रोड्यूस द सेम आउटकम्स एवरी टाइम्स, मतलब कि अगर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को करवाते हैं इनिशियल कंडीशंस में और हमें वहां पर कोई जरूरी नहीं है कि वही रिजल्ट मिले, तो वो क्या होगा आपका, रैंडम एक्सपेरिमेंट या प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट, क्लियर है। इसीलिए क्या कहा है हमने, रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिन्हें अगर हम किसी इनिशियल कंडीशन में करवाते हैं लेकिन उनके रिजल्ट्स जरूरी नहीं है कि हमें वही मिले, सेम रिजल्ट से मिले, तो वो होंगे आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि आपने मान लीजिए किसी भी कॉइन को आपने क्या किया, टॉस किया, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल इन ए टॉसिंग ए कॉइन वन इज नॉट श्योर दैट ए हेड और टेल विल बी ऑब्टेंड सो इट ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए आपने एक कॉइन लिया, कॉइन को तो आप जानते हो ना, सिक्का, ठीक है, उसको आपने क्या किया, टॉस किया। सिक्के से जब आप टॉस करते हो तो आपको पता होता है क्या कि क्या आएगा, पता होता है क्या, नहीं होता ना। हो सकता है कि हेड आ जाए, हो सकता है कि टेल आ जाए। अब आप बोलोगे कि सर मैं जब टॉस करता हूं तो मैं तो ऑलरेडी देख लेता हूं, अगर ऊपर टेल है और फिर मैं टॉस करता हूं तो वापस से टेल आता है। अरे बेटा ये कोई लक वाली बात है, आ भी जाता है नहीं भी आता है, कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है ना, इसमें श्योरिटी कभी भी नहीं होती इस चीज में। तो याद रखना है, रैंडम एक्सपेरिमेंट आपके वो एक्सपेरिमेंट्स होंगे जिन्हें अगर हम किसी इनिशियल कंडीशन में करवाते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका रिजल्ट हमें सेम ही मिले, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी भी कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो हो सकता है कि हेड आ जाए, हो सकता है कि टेल आ जाए। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाक से नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से जल्दी से। तो फाइनली आपको पता चल गया ना यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं आपके, टू टाइप्स के, कौन कौन से, रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ओके मैं पानी पी लेता हूं फटाफट से। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट होता है आपके पास सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस क्या होता है, द सेट्स ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं,
जानते हो ना पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं? नहीं पता? देखो किसी भी आप कॉइन को आप जब टॉस करते हो ठीक है, तो आपको बताएगी वहाँ हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब कि पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है, या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। अगर आप किन्हीं टू कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हो, कोई भी आपने टू कॉइन्स लिए और उन दोनों कॉइन्स को आप क्या कर रहे हो, एक साथ टॉस कर रहे हो, जब आप दोनों कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हो तो टोटल रिजल्ट आपको फोर मिलेंगे, मतलब कि टोटल आउटकम्स कितने रहेंगे आपके पास, फोर। या तो दोनों हेड होंगे या दोनों टेल होंगे, या एक हेड एक टेल होगा या एक टेल एक हेड होगा, क्लियर है? यही आउटकम्स मिलेंगे। तो इसीलिए हमने क्या कहा, द सेट्स ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे उनका सेट्स जो रहेगा वही आपका क्या होगा, जनरली सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद इट इज जनरली डिनोटेड बाय एस, और सैंपल स्पेस को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए हमने एक डाइस, डाइस जानते हो ना, नहीं जानते हो क्या? अरे भाई लूडो सबने खेला है, खेला है ना, तो उसमें क्यूब शेप का क्या रहता है, डाइस ही तो रहता है ना। अगर आप उस डाइस को क्या करते हो, थ्रो करते हो, जैसे ही आप उसे थ्रो करते हो तो आप क्या देखते हो कि उससे आपको कोई सा भी रिजल्ट मिल सकता है, कोई सा भी आउटकम्स मिल सकता है, या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी नंबर मिल सकता है। इसीलिए हमने क्या कहा है, द सेट्स ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए सैंपल स्पेस एंड डिनोटेड बाय कैपिटल एस। ओके, क्लियर है? चाहे आप कॉइन का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे आप डाइस का एग्जाम्पल ले लीजिए, सब कुछ एक ही चीज़ मिलने वाली है आपको यहाँ पर। बस आपको ये याद रखना है, सैंपल स्पेस का मेन यही रहने वाला है कि अगर आप कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट करने पर आपको जो भी उससे रिलेटेड पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे वही आपके क्या होंगे, उनका कलेक्शन या उनका सेट ही आपको यहाँ पर सैंपल स्पेस की फॉर्म में मिलेगा। ओके, क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, इवेंट। अब इवेंट क्या होता है? अब आप बोलोगे सर इवेंट मतलब कि पार्टी वार्टी भी इस तरह की कोई बात, ऑर्गेनाइजिंग वगैरह जैसी बात होने वाली? नहीं, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है इवेंट। ओके, ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का सबसेट एसोसिएट विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, इन ए टॉसिंग ए डाइस गेटिंग एन इवेंट इवन नंबर इन ए इवेंट। देखो जैसे कि मान लीजिए टॉसिंग नहीं आएगा यहाँ पर, थ्रोइंग आएगा, ठीक है, क्योंकि डाइस को हम क्या करते हैं, थ्रोइंग थ्रो करते हैं ना। टॉस किसको करते हो आप? टॉस तो आप कॉइन को करते हो, क्लियर? इवेंट आपके वो होते हैं सैंपल स्पेस का सबसेट, मतलब कि कोई भी आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया और रैंडम एक्सपेरिमेंट करने पर जो भी आपको यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे उनका सबसेट, ठीक है, उसे ही हम क्या कहेंगे, इवेंट कहेंगे। लेकिन लेकिन जब हम किसी भी अगर डाइस को थ्रो करते हैं और थ्रो करने पर हमें पता है कि इवन नंबर के पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, इवन नंबर क्या मिलेंगे आपको डाइस थ्रो करने पर, या तो 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, क्लियर है, यही मिलेगा, तो वही क्या होगा आपके पास, इवेंट होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं उस एक्सपेरिमेंट का इवेंट। नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रायल। ट्रायल मींस परफॉर्मिंग ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ट्रायल का मीन क्या होता है आपको पता है, किसी भी चीज का परफॉर्मेंस, ठीक है, यही होता है ना ट्रायल। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग ए कॉइन, किसी भी कॉइन को आपने टॉस किया, ये क्या एक ट्रायल ही है। थ्रोइंग ए डाइस, डाइस को आपने फेंका, ये सब क्या है आपके पास यहाँ पर एक ट्रायल है। ओके, तो याद रखना बिल्कुल, सैंपल स्पेस क्या होगा, द सेट्स ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए सैंपल स्पेस एंड इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल एस। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। इवेंट सैंपल स्पेस का जो सबसेट होगा वही होगा आपके पास इवेंट, और ट्रायल परफॉर्मेंस। क्लियर है? किसी भी चीज को आप परफॉर्म कर रहे हो वही आपका क्या है, ट्रायल है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, और इन चीज़ों को बेटा जितना ज़्यादा आप एग्जांपल से समझोगे ना उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा और उतने अच्छे से आपके जो भी डाउट्स आपके वो क्लियर हो पाएंगे। ओके, सो एग्जांपल प्लीज़ इनके नोट करते रहना, एग्जांपल से समझना ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट आता है आपके पास आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने पर आपको आउटकम्स क्या क्या मिलने वाले हैं, ठीक है। आउटकम्स मतलब क्या होता है, कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट किया तो उसके रिजल्ट्स, क्लियर है इतना। आ जाओ, द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज विच कैन ऑकर ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट इट इज कॉल्ड एन आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज विच कैन ऑकर ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट मतलब कि किन्हीं डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो उससे जो मिलने वाला जो रिजल्ट होगा वही आपका क्या होगा, आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट का आउटकम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल मतलब कि फेवरेबल, हमारे फेवर में। फेवरेबल के लिए हम क्या बोलते हैं, जो भी हमारे फेवर में हो,
ठीक है, तो फेवरेबल इवेंट, इवेंट आपको पता है काफी अच्छे से, ठीक है, सैंपल स्पेस का क्या सबसेट होगा, वही क्या होगा आपका इवेंट होगा, क्लियर। तो लेट एस बी ए सैंपल स्पेस, मान लीजिए एस आपका एक सैंपल स्पेस है और एसोसिएट है ये किसके साथ, रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ, और ए आपके पास यहाँ पर कोई इवेंट है जो कि एसोसिएट है वो भी किसके साथ, रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ, क्लियर। तो द एलिमेंट्री इवेंट बिलोंग टू ए आर नोन एज ए फेवरेबल इवेंट टू द इवेंट, तो हम यहाँ पर ए जो है इसे जानेंगे किसके नेम से, फेवरेबल इवेंट के नेम से, जो हमारे पास कोई इवेंट है उस इवेंट ए को ही हम फेवरेबल इवेंट के नेम से जानते हैं, क्लियर। समझ में आया या नहीं आया वापस से बताऊं, देखो जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई सैंपल स्पेस है एस, ठीक है, और वो एसोसिएट है किसके साथ, रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ, एंड ए कोई आपके पास यहाँ पर इवेंट है, ठीक है, आपके पास एक सैंपल स्पेस है एस कैपिटल एस के नेम से और एक इवेंट है कैपिटल ए के नेम से जो कि दोनों ही एसोसिएट है रैंडम एक्सपेरिमेंट से, तो यहाँ पर आपका जो एलिमेंट्री इवेंट होगा, ठीक है, ये बिलोंग करेगा किसके से बिलोंग करेगा, ये कैपिटल ए फेवरेबल इवेंट ऑफ इवेंट ए, मतलब कि ये जो इवेंट है ये इस फेवरेबल इवेंट का ही एक पार्ट होगा, हम ये कह सकते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल इन थ्रोइंग ए पेयर ऑफ डाइस, मान लीजिए आपने पेयर के फॉर्म में, मतलब कि डाइस लिया और कोई भी टू डाइस को आपने पेयर के फॉर्म में क्या किया, थ्रो किया, ए इज डिफाइंड बाय गेटिंग एट इज द सम, हमें यहाँ पर ये बताना है कि जब हम किन्हीं भी टू डाइस को थ्रो करते हैं तो हमें उनसे मिलने वाले जो भी कोई टू डिजिट्स है उनका सम एट जो मिलेगा वो किन किन से मिलेगा, मतलब कि वो आउटकम्स हमारे कौन कौन से रहने वाले हैं। तो देखो एलिमेंट्री इवेंट्स के आउटकम्स क्या रहेंगे, या तो टू, एक डाइस में टू मिले आपको और एक में सिक्स मिले तो आपको एट मिलेगा सम इनका, एक में थ्री मिले, एक में फाइव मिले तो भी एट मिलेगा, फोर फोर मिले तो भी एट मिलेगा, फाइव थ्री मिले तब भी एट मिलेगा, सिक्स टू मिले तब भी एट मिलेगा। सो देयर आर फाइव एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू इवेंट ए, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर हमारे पास फाइव एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है, मतलब कि फाइव ये जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं यही आपके एलिमेंट्री इवेंट है जो कि फेवरेबल इवेंट किसके लिए है, इवेंट ए के लिए, ओके। तो फेवरेबल इवेंट वही इवेंट होते हैं जो हमारे फेवर में हो, सीधी सी बात है, कहने का यही मतलब। फटाक से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट से, चलते हैं फिर आगे हम इसके। ओके, हो गया यहां तक नोट, चले आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, द चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट आर क्लासिफाइड एज, सबसे पहले हम बात करते हैं इवन चांस की। इवन क्या होता है, इवन नंबर होता है जो कि टू से डिविजिबल होता है, ठीक है। अब इवन चांस देखो, इवन चांस क्या होता है, इफ चांसेस ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट आर सेम, वी सेड दैट दैट इवेंट हैज इवन चांसेस ऑफ हैपनिंग। फॉर एग्जाम्पल द चांस ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी टू बी ए गर्ल इज इवन, देखो इवन चांसेस क्या होते हैं, इफ द इफ चांसेस ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग, हो सकता है कि वो चांस हो या ना हो, कोई इवेंट है आपके पास किसी इवेंट के लिए, ठीक है, हो सकता है कि वो रिजल्ट आपको मिले या ना मिले, वी से दैट, तो हम कह सकते हैं द इवेंट हैज इवन चांसेस टू ऑफ हैपनिंग, तो उस इवेंट के होने के क्या चांसेस है, इवन चांसेस है, ओके। फॉर एग्जाम्पल द चांसेस ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी, कोई भी नई एक बॉर्न बेबी का अगर बर्थ होता है, ठीक है, जन्म होता है, बॉर्न होता है, टू बी ए गर्ल इज इवन, तो वो गर्ल हो सकती है, ये क्या है, इवन चांसेस, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, श्योर चांसेस, श्योर मतलब कि 110% फिक्स की यही होगा रिजल्ट, कुछ भी हो जाए चाहे, आपको पता है ना श्योर का मतलब क्या होता है, 110% यही रहने वाला है। तो देखो श्योर इवेंट या सर्टेन चांसेस जिसको हम कहते हैं, If we throw a dice, अगर हम कोई dice throw करते हैं, there is a sure chances of getting one of the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, such events are called sure event, मतलब कि sure event का मतलब कहने का यही है कि एक ऐसा event जिसमें आपको already पता है कि इन्हीं में से ही कोई result रहने वाला है 110%, okay, जैसे कि हमने किसी dice को throw किया और उस dice को जब हम throw करते हैं तो हमें पता है कि उससे मिलने वाला जो result होगा या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इनके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना, तो ये किसमें होगा, काउंट होगा श्योर इवेंट में, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। श्योर चांसेस या सर्टेन चांसेस दोनों एक ही बात है, ये याद रखना। इम्पॉसिबल चांस, इम्पॉसिबल मतलब कि कभी नहीं मिलने वाला चांस, ठीक है, जैसे कि देयर इज नो चांस दैट इट विल रेन एवरी डे इन दिल्ली,
इन एवरी ईयर। ज़रूरी ये तो कन्फर्म है, आपको पता ही है, इम्पॉसिबल, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि हर एक ईयर में रोज ही दिल्ली में बारिश हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें कन्फर्म है कि यार रेनी सीजन में ही बरसात होती है, विंटर सीजन में सर्दी होती है, समर सीजन में गर्मी रहती है। तो हम किस तरह से किस भी आप पर कह सकते हैं कि हाँ हर एक दिन बारिश होने के चांसेस है? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं बिल्कुल। तो फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, सारी चीज़ें आपको क्लियर है, मुझे नहीं लगता है किसी तरह की आपको या कोई प्रॉब्लम होने वाली है। फटाफट से नोट कर लो बेटा जल्दी से, फिर चलते हैं हम इसके आगे। बहुत ही ईजी चीज़ें हैं, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। इवन चांसेस आपको पता है, श्योर चांसेस तो 110% नेम से ही समझ में आ रहा है, इम्पॉसिबल चांसेस भी आपको नेम से ही समझ में आ रहा है। श्योर चांसेस में अगर आपने किसी डाइस को थ्रो किया तो आपको पता है ये रिजल्ट जो मिलेगा 110% 1-6 में से ही मिलेगा, इसके अलावा तो बाहर से तो कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। इम्पॉसिबल मतलब कि कोई चांस नहीं, किसी भी चीज़ को कोई चांस नहीं। ओके, ये हो गया आपके पास इम्पॉसिबल चांसेस। ओके, फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। चले आगे, चलो नेक्स्ट आता है आपके पास गुड चांस। अब गुड चांस क्या होता है? देखो गुड चांस, देखो, इफ एन इवेंट इज मोर लाइकली टू हैपन दैट नॉट टू हैपन, इट इज सेड टू हैव ए गुड चांस ऑफ हैपनिंग। इफ एन इवेंट इज मोर लाइकली टू हैपन देन नॉट हैपन, इट सेड टू बी ए गुड चांस। ठीक है, अब गुड चांस हो सकता है कि वो हो सकता है कि वो ना हो, क्लियर। पुअर चांस, इफ एन इवेंट लेस लाइकली टू हैपन देन नॉट हैपन, इट सेड टू बी हैव पुअर चांस। देखो मोर लाइकली मतलब कि गुड चांस, कोई भी इवेंट है आपके पास और उसके होने की अगर प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है तो वो क्या होती है? गुड चांस में काउंट होगी। पुअर चांस में उसके प्रोबेबिलिटी, कोई भी चांस इवेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी अगर कम होगी तो वो क्या होगी आपके पास? पुअर चांस। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं, समझ में आ गया आपको पूरा? फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे कि आप ये देखो, यहाँ पर आप बहुत ही इजीली और अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। देखो इवन चांसेस आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, लाइकली चांसेस और सर्टेन, ठीक है, अनलाइकली चांसेस और पॉसिबल। देखो अनलाइकली चांसेस, ठीक है, अनलाइकली मतलब कि आपने अगर किसी डाइस को थ्रो किया तो इसमें से रिजल्ट जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? 1-6 में से ही आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिलने वाला है, ये श्योर है, ठीक है, क्लियर है। मतलब कि इसे हम श्योर भी कह सकते हैं, कह सकते हैं क्या? फटाफट से बोलो, हाँ या ना। यहाँ पर लाइकली में आप देख पा रहे हो 4 in 5 इन चांसेस, ठीक है, 4-5 चांसेस। सर्टेन में 110% 1 ही रहने वाला है, इम्पॉसिबल में कोई नहीं, 0। तो फटाक से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो बेटा जल्दी से। ओके बेटा, हो गया नोट ये? यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या? फटाफट से बोलो, समझ में आ गया आपको पूरी चीज़ें यहाँ तक? हाँ या ना, जल्दी से बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। अब मेन आते हैं हम प्रोबेबिलिटी पर, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी तक हमने जो भी इसकी बेसिक डेफिनेशंस थी उन सारी डेफिनेशंस के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी आखिर में होती क्या है, क्लियर। देखो If there are n elementary events, आपके पास total number of elementary events कितने हैं? अगर आपके पास number of elementary events n है, ठीक है, associated with a random experiment and m of the are favorable to an event A, then the probability of happening on occurrence of event A is denoted by P of A. देखो किस तरह से समझना है ये ध्यान से देखना। यहाँ पर आपके पास total number of elementary events कितने हैं? n है, और रैंडम एक्सपेरिमेंट वो जो है वो कितने, क्या है आपके पास? m। यहां पर m जो है वो है फेवरेबल इवेंट, ठीक है, क्या है बेटा? फेवरेबल इवेंट। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। चलो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, तो यहां पर ये जो इवेंट है इसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम डिनोट करते हैं p ऑफ a से। इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? p ऑफ a से, क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम फाइनली देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसी भी इवेंट ए के लिए जो प्रोबेबिलिटी रहेगी, रिटर्न एज पी ऑफ ए इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड इज डिफाइंड एज पी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब कि कोई भी इवेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ ए
मतलब कि आपको कितने यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स मिल रहे हैं प्रोबेबिलिटी होने के, कोई आपने इवेंट करवाया है उस इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, और उससे मिलने वाले जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, आपने किसी डाइस को थ्रो किया, ठीक है, या फिर एक काम करो, इजी सा लेते हैं, हम टॉस करते हैं किसको, एक कॉइन को, ठीक है, रिजल्ट क्या मिलेगा, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो हमने एक इवेंट करवाया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल, अब हमसे पूछा जाए यहां पर कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी आप किस तरह से बताओगे, फटाफट से बोलो, आपने अगर किसी एक कॉइन को टॉस किया है तो हेड एक ही बार आएगा, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रहेगा क्या, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कि कितने नंबर ऑफ आउटकम्स आपको फेवर में मिल रहे हैं, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आपके पास, टू, मतलब टोटल रिजल्ट्स कितने मिल रहे हैं आपको, टू मिल रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, या तो हेड या टेल। तो फाइनली इस इवेंट को करवाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या मिली है आपको, 1/2, क्लियर है, अब समझ में आया आपको, हाँ या ना, फटाफट से बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हमने क्या कहा, अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट्री इवेंट है एंड जो कि एसोसिएट है रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ में, और एम जो है यहाँ पर अगर उस इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स हैं, मतलब कि फेवर में मिलने वाले रिजल्ट्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो रहेगी उसे डिनोट करेंगे हम पी ऑफ ए से। तो फाइनली हमें यहाँ पर फॉर्मूला मिलेगा, पी ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ फेवर्स ऑफ ए इवेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फाइनली फॉर्मूला क्या मिला, पी ऑफ ए इक्वल एम अपॉन एन, क्लियर, ये आपको याद रखना है। एम क्या है यहाँ पर, एम है आपके पास यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, इवेंट को करवाने पर फेवरेबल आउटकम्स कितने मिल रहे हैं, और एन जो है यहाँ पर, एन है आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की, वहां से आपको कितने रिजल्ट मिल सकते हैं, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से फटाफट, ओके। चलो अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास पी ऑफ ए या तो ग्रेटर देन इक्वल होगा किसके, वन के, और जीरो से हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होगा, क्या याद रखोगे, P of A जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होगा किससे, जीरो से, और P of A हमेशा लेस देन होगा किससे, वन से, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, P नॉट हैपनिंग ऑफ A प्लस P हैपनिंग ऑफ A इक्वल वन, मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट A उस इवेंट के नहीं होने के चांस, ठीक है, और उस इवेंट के होने के चांस दोनों का जो सम मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको, वन। नॉट हैपनिंग ऑफ ए इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से, और हैपनिंग ऑफ ए होने के चांसेस, इवेंट होने के चांसेस इसे डिनोट करते हैं हम ए बार से। तो फाइनली पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इक्वल कितना मिलेगा हमें यहाँ से, वन। अगर हमें किसी एक का रिजल्ट फाइंड करना हो तो पी ऑफ ए बार इक्वल क्या मिलेगा हमें, वन माइनस पी ऑफ ए, क्लियर, इसको इस तरह से समझो, देखो आप P of A प्लस P of A बार इक्वल क्या होता है, वन होता है। किसी भी इवेंट के नहीं होने के चांसेस प्लस किसी भी इवेंट के होने के चांसेस इक्वल दोनों का सम वन, क्लियर यहां तक। अब यहां से अगर हमें ये फाइंड करना है, मान लीजिए किसी भी इवेंट के नहीं होने के चांसेस क्या रहेंगे, तो P of A इक्वल वन माइनस, इस P of A बार को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से P of A बार किसी भी इवेंट के होने के चांसेस, मतलब कि इस P of A को हम उधर ट्रांसफर करते हैं तो 1 माइनस P of A, कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना, फटाफट से बताओ, नहीं है ना, समझ में आ गया आपको। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो रहेगी, मतलब कि किसी भी इवेंट को करवाने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी उसकी वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर देन इक्वल होगी और 1 से लेस देन इक्वल होगी, क्लियर। सेकंड, P of A प्लस P of A बार इक्वल कितना होगा आपके पास, वन होगा। यहाँ से आप
किसी भी इवेंट के होने के चांसेस और नहीं होने के चांसेस दोनों ही फाइंड कर सकते हो। क्लियर? तो ये हमारा जो छोटू सा चैप्टर है बेटा, इसमें हमारे पास काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो भी मैं और आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको क्या क्या याद रखना है? एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्लियर, सैंपल स्पेस, क्लियर, नेक्स्ट इवेंट, नेक्स्ट ट्रायल, क्लियर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? हाँ या ना? नहीं? ये सारी चीजें आपको याद रह जाएगी। श्योर इवेंट, ठीक है, आउटकम्स, क्लियर। कोई प्रॉब्लम यहां आता है? नहीं? और प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्लियर है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्लियर। अगर आपको ये चीजें याद है काफी अच्छे से तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस चैप्टर में, गारंटी है मेरी। और अगर आपको नहीं याद है तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? ओके, समझ भी है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं है? फटाक से नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब मैं आपको इससे बेसिक रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो अभी आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पर। ओके, चलो देखो, किसी भी डाइस को अगर आप थ्रो करते हो, ठीक है, किसी भी डाइस को आप थ्रो करते हो तो रिजल्ट्स क्या मिलेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। अब यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देखकर मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर आपको इवन नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या मिलने वाली है? इवन नंबर, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या मिलने वाली है? फटाफट से बताओ क्या मिलने वाली है। तो आप यहां पर देखोगे सबसे पहले कि आपने जब किसी डाइस को थ्रो किया तो इस डाइस को थ्रो करने पर आप ये देखते हो कि इवन नंबर हमें कौन कौन से मिलेंगे। इवन नंबर 2, 4, 6, क्लियर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट से बताओ। नहीं? समझ में आ गया? अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो पी ऑफ ई इक्वल, इवन नंबर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? वही, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, क्लियर। कोई प्रॉब्लम? नहीं? तो देखो, पी ऑफ ई, यहां से टोटल आपको कितने इवेंट्स फेवरेबल आउटकम्स कितने मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने मिले आपको? 6। तो फाइनली 3/6 का मतलब 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी हमारे पास? 1/2, क्लियर। इसी तरह से ओड नंबर आने की अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, ओड नंबर आने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी पूछी जाए यहां पर कि ओड नंबर क्या मिलने वाले हैं, तो ओड नंबर कौन कौन से होंगे? और नंबर यहां रहेंगे आपके 1, 3, 5, यही रहेंगे, क्लियर। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने? 3। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने? 6। दोनों को सॉल्व करोगे तो 1/2। कोई प्रॉब्लम? नहीं? समझ में आ गया आपको पूरा पूरा? हाँ या ना? फटाफट से बताओ। ओके, चलो नेक्स्ट। अगर किसी कॉइन को टॉस किया जाए, टू कॉइन्स को टॉस किया जाए, तो यहां से हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहने वाली है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहने वाली है ये बताना है आपको, ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? नहीं? तो किन्हीं भी टू कॉइंस को आप टॉस करोगे तो हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड और हेड टेल, हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है, क्लियर। तो देखो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड कहां कहां है? यहां है, यहां है और यहां है।
कितने आपको फेवरेबल आउटकम्स मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं। फेवरेबल आउटकम्स कितने आपके पास? 3। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आपके पास? 4। ये लीजिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं। इसी तरह से टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी सेम, लेकिन दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहने वाली है, तो दोनों हेड कहाँ आ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ यहाँ ही आ रहे हैं। तो 1/ पॉसिबल आउटकम्स कितने? फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स 1, टोटल आउटकम्स कितने? 4। तो 1/4। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से फटाफट। ओके, क्लियर। चलो एक चीज और मैं बता देता हूं आपको यहां पर, एक आपसे कार्ड से रिलेटेड, प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी पूछा जा सकता है। प्लेइंग कार्ड्स की बात करते हैं तो टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं आपके पास? 52 होते हैं। कितने कलर्स के होते हैं ये? 2 कलर्स के होते हैं, रेड और ब्लैक। क्लियर? रेड भी कितने होते हैं? 2 टाइप्स के, 13 और 13। ठीक है, एक तो होते हैं आपके पास हार्ट शेप के और एक होते हैं आपके पास ब्रिक शेप के। ठीक है, क्लियर। ब्लैक भी कितने होते हैं आपके पास? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? 13 13। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट से बताओ। एक तो लीफ शेप के होते हैं और एक कैसा होता है आपके पास? इस तरह के स्पैरो शेप्स के, जिसको आप चिड़ी बोलते हो। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब आपसे डायरेक्ट यहां पर पूछा जाए कि आपको टोटल रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड्स अगर आपको ये फाइंड करना हो तो क्या करोगे? यहां क्या बताओगे? सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या फेवरेबल, इस तरह से लिखो, पॉसिबल नहीं फेवरेबल। ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आपको पता है प्लेइंग कार्ड्स में रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। क्लियर है ना? 26 होते हैं। अब टोटल आउटकम्स कितने आपके पास? 52। तो फाइनली ये हो जाएगा 26/52, 1/2, फाइनली 1/2। तो फाइनली रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या मिलती है आपको? 1/2। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपके पास जोकर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर, किंग की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर, क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या है, एज की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये सारी आप बता सकते हो। अब मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, क्लियर है? तो ये बेटा आज का हमारा एक लेक्चर था छोटू सा, जो कि डिपेंडेंट था हमारा प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन फेज पर। आई होप आपको बहुत ही इजीली अच्छे से आपको समझ में आया है। अब आपको मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली है। क्या करना है आपको? फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।